दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके एडसेंस अकाउंट में $10 से ऊपर हो गए हैं तो उसके बाद आपको पिन को कैसे वेरीफाई करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मेन बैलेंस में अभी $10 ऐड नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 7 डेज़ के $10.95 यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपके एडसेंस अकाउंट में $10 से ऊपर हो जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर मुझे एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है अपने एडसेंस अकाउंट में। तो यहाँ पर लिखा है योर पेमेंट्स आर करंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज़ रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ एक्शन का एक बटन आ गया है और आपके भी एडसेंस अकाउंट में अगर $10 से ऊपर हो जाएंगे तो कुछ इस तरह का जो है एक्शन का बटन आपके अकाउंट में आ जाएगा। और नीचे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नीचे भी यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस। तो चाहे आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं अपना एड्रेस और यहाँ पर एक्शन पर क्लिक करके भी आप अपना जो एड्रेस है वो वेरीफाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर यहाँ पर भी आपका जो एक्शन का बटन नहीं आता है और यहाँ पर नीचे भी वेरीफाई और बिलिंग एड्रेस का कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो आपको क्या करना है, आपको होम के बगल में जो 3 लाइनें दिख रही हैं इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन में क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन दिखेगा एड्रेस वेरिफिकेशन, वेरीफाई एड्रेस। तो यहाँ से आप अपने एडसेंस को वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपके में एक्शन का बटन नहीं दिखा रहा है तो। तो दोस्तों, बस इसके बाद आपको वेरीफाई एड्रेस पर क्लिक करना है अपने एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए। तो जैसे आप वेरीफाई एड्रेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन योर अर्निंग हैव रीच द वेरीफिकेशन थ्रेशोल्ड, सो वी हैव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग योर अकाउंट, दिस विल प्रिपेयर यू टू रिसीव योर फर्स्ट पेमेंट वंस यू हैव अर्न द पेमेंट थ्रेशोल्ड। तो इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है मोस्ट रिसेंट पिन वॉज जनरेटेड June 1, 2018, यानी कि कल मेरे एडसेंस अकाउंट में $10 हो गए थे और दोस्तों कल ही एडसेंस से मेरी जो है पिन जनरेट हो गई है। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है योर पिन विल बी सेंड बाय द पोस्ट 3-5 डेज आफ्टर द डेट लिस्टेड अबव एंड मे टेक 2-4 वीक्स टू अराइव डिपेंडिंग ऑन द पोस्टल सर्विस। यानी कि दोस्तों, जिस दिन आपके एडसेंस अकाउंट में $10 हो जाते हैं आपकी पिन उसी दिन जनरेट हो जाती है, लेकिन वो उस दिन पोस्ट नहीं होती। दोस्तों, पिन जनरेट होने के 3-4 या 5 दिन बाद एडसेंस उसको आपके एड्रेस पर पोस्ट कर देता है। तो 3-4-5 दिन बाद मेरी जो पिन है वो एडसेंस पोस्ट कर देगा, उसके बाद 2 या 4 हफ्ते के अंदर वो जो पिन है वो मेरे घर तक आ जाएगी। तो दोस्तों, जैसे ही आपके घर पर वो पिन आ जाएगी तो यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एंटर योर पिन, तो उस लेटर के अंदर यहाँ पर कुछ नंबर होंगे तो वो नंबर आपको यहाँ पर डालने हैं और सबमिट पिन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर पिन को जनरेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, जैसे ही आपके $10 हो जाते हैं ऑटोमेटिकली आपकी पिन जनरेट हो जाती है और 3-4-5 दिन बाद आपकी पिन जो है आपके एड्रेस पर सेंड हो जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोट लिखा हुआ है प्लीज़ नोट दैट इफ़ योर पिन इज़ एंटर्ड इनकरेक्टली 3 टाइम्स एड सर्विंग विल बी सस्पेंडेड। यानी कि अगर आपने 3 बार इस यहाँ पर गलत पिन डाल दी तो आपके जो है एड सर्व हो रहे हैं, चाहे एडमोब के हों, चाहे एडसेंस के, चाहे यूट्यूब के, तो वो बंद हो जाएंगे। तो अगर आपके पहली बार में जो है पिन नहीं आती घर पे तो आप उसके बाद एक और बार ट्राई कर सकते हैं, अगर दूसरी बार भी नहीं आती तो तीसरी बार ट्राई कर सकते हैं, और तीसरी बार भी नहीं आती तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है आप अपना जो भी नेशनल आईडी कार्ड है या पासपोर्ट है उससे जो है यहाँ पर वेरीफाई करा सकते हैं अपना अकाउंट। तो यहाँ पर मेरी पिन जो है अभी सेंड हो गई है और ये लगभग 1 महीने में मेरे पास आ जाएगी, उसके बाद यहाँ से मैं अपना एड्रेस वेरीफाई करा दूंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और बात है एडमोब यूज़र्स के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ नए रूल्स आए हैं अभी एडसेंस में कि वो कभी भी जो है आपकी आईडी वेरीफाई करा सकता है। यानी कि अगर आप यूट्यूब चैनल कनेक्ट कर रहे हैं एडसेंस से तो वो आपकी आईडी कभी भी वेरीफाई करा सकता है, और अगर आप एडमोब यूज़र हैं तो आपको अपनी आईडी जो है वेरीफाई करानी ही करानी है एड्रेस के साथ। तो यहाँ पर मैं आपको एक और ऑप्शन दिखा देता हूँ, वो मेरे में यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोस्तों, होम पे आने के बाद आपको एक बैलेंस का ऑप्शन दिखेगा, बैलेंस के ऑप्शन के बाद आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू पेमेंट्स पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऊपर तो ऑप्शन दिख रहा होगा एड्रेस वेरीफाई करने का, और साथ में अगर आप एडमोब यूज़र हैं तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव पेमेंट्स। यानी कि दोस्तों, मैं एडमोब यूज़र हूँ, मैंने इस एडसेंस को एडमोब के साथ कनेक्ट करा है, तो यहाँ पर मुझे जो अपनी आईडी है उससे जो है वेरीफाई भी करवाना है, यानी कि पासपोर्ट आईडी या नेशनल आईडी कार्ड यानी कि आधार कार्ड वगैरह यहाँ पर डालकर, यानी उसकी फ़ोटो लेकर मुझे यहाँ पर वेरीफाई करानी है अपनी आइडेंटिटी।
तो दोस्तों अगर आपने YouTube चैनल कनेक्ट कराया है एडसेंस से, तो हो सकता है कि आपको भी कभी भी अपनी आईडी वेरीफाई करानी पड़े। लेकिन एडमोब यूज़र के लिए जो रूल आया है वो ये है कि आपको एड्रेस के साथ साथ अपनी आइडेंटिटी भी वेरीफाई करानी पड़ेगी साथ में। तो दोस्तों अगर आपने YouTube से लिंक कराया है अपने एडसेंस अकाउंट, तो बस वहाँ पर आपको पिन डालकर जो है अपना एड्रेस वेरीफाई करा लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आता है वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव पेमेंट्स, तो मैं आपको इसके ऊपर भी वीडियो बना के दिखा दूंगा कि वेरीफाई कैसे करते हैं आइडेंटिटी से। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।